कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आपको कोई चीज़ नहीं कहते हैं। हम आपसे जो कहते हैं विद इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो मुल्क के ख़िलाफ़ है आप उनको सज़ा दीजिए, जो करप्शन में इन्वॉल्व है आप उनको सज़ा दीजिए, आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं, जो टेरर के साथ लिंक्ड है आप उनको सज़ा दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक़ ज़रूर दीजिए जो वो डिज़र्व करते हैं। केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा, और इंस्टीट्यूशन जो है उनकी क्रेडिबिलिटी कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। ले दे के हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर नज़र है। ये चाहे कुछ भी ना हो, यू नो 370-35 से कुछ भी ना हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंबल है। रिलीजन और पॉलिटिक्स में सिंबल होते हैं, और हाउ यू कैन डिस्क्रिमिनेट अस। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वालों को आपने ये सारा किया है, आप कैसे हमको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी उस केस की हेयरिंग होनी चाहिए, उसका डिसीजन आना चाहिए, और अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होगा।